हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। तो सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 स्टडी किया था और मैंने आप लोगों को उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करने के लिए कहा था, याद करने के लिए कहा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे कंप्लीट करके रखे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन चैप्टर 3। तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर 3, स्वरों की मात्राएं, शब्द और वाक्य, साइंस ऑफ वोवेल्स, वर्ड एंड सेंटेंस। स्वरों की मात्राएं, नीचे हुए स्वर दर्शाए गए हैं जिनकी मात्राएं लगती है। क्या है वो सब? जो स्वर है वो सब दर्शाए गए हैं, उसकी मात्राएं क्या क्या होती है वो हम देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये आ है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या है? इसकी मात्राएं हैं। नीचे जो लिखी हुई है ये मात्राएं हैं। तो बच्चों, आप लोग को ये जो है मात्राएं यहाँ से यहाँ तक अपने कॉपी में लिख लेना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जो अ होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। क्या होता है? जब स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो इसका रूप बदल जाता है। स्वर के बदले हुए रूप को ही मात्राएं कहते हैं, और उसके बदले हुए रूप को ही क्या कहते हैं? मात्रा। केवल स्वरों को ही मात्राओं के रूप में लिखा जा सकता है, व्यंजनों को नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ स्वरों को ही हम मात्रा में लिख सकते हैं, लेकिन व्यंजन को हम नहीं लिख सकते हैं। स्वर वर्ण का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। जो स्वर का जो बदला हुआ रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे प जोड़ ए जोड़ र, क्या होगा? पेड़। घ जोड़ ड़ जोड़ बड़ी, घड़ी। ये क्या है? छोटी। जोड़ क जोड़ त जोड़ आ जोड़ ब, या की मात्रा है ना, तो क्या हो गया? किताब। अबे त जोड़ र जोड़ आ की मात्रा जोड़ ज जोड़ उ, क्या होगा? तराजू। अब क्या है? ग जोड़ उ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ ब, गुलाब। म जोड़ री जोड़ क, क्या होगा? मृग। तो ये सब जो है बदला हुआ रूप है मात्रा का। अब ये चित्रों के नीचे छपे रंगीन चिन्ह ही स्वर की मात्राएं हैं। अब ये सब हम जो देख रहे हैं रेड कलर का जो है, ये सभी क्या है? मात्राएं हैं। बताए ना अभी आप लोगों को मैंने। अबे याद रखिए, तो क्या क्या याद रखना? देखिए, ये छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है, जैसे हिरण किला। ये क्या होता है? व्यंजन के आगे लगता है। अबे आ, बड़ी ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती है, जैसे माला, तीर, मोर, कौवा। ये सब के क्या होते हैं? अलग अलग यूज होते हैं। अबे ए, आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जैसे मेला, केला, थैला, पैसा। अबे ऊ, ये क्या है? छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, जैसे कूली, फूल, मृग। र के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे ना लगकर र के पेट में लगती है, जैसे गुरु, रुपया, रूप, अमरुद, रुमाल। ये सब क्या है? एक छोटी ऊ की मात्रा, एक बड़ी ऊ की मात्रा। इसे हम छोटी ऊ की मात्रा कहते हैं, ठीक है, और इसे हम बड़ी ऊ की मात्रा कहते हैं। देखिए दोनों में डिफ्रेंसेस है ना। अबे अन्य ध्वनियों से बने शब्द, ध्वनि क्या है? अनुस्वार है, अनुनासिक, जिसको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, अर्यत, विसर्ग। तो ये मात्रा क्या है? देखिए आप ऐसे लाइन के ऊपर हम इसका बिंदु देते हैं, इसके ऊपर हम चंद्रबिंदु करते हैं, और इसके हम दो डॉट देते हैं। जैसे ग है तो गंग, आ है आ, त है त। इसके शब्द क्या क्या बनते हैं? तो अनुस्वार से बनेंगे गंगा, जंगल। अनुनासिक से बनेंगे आँख और चांद। विसर्ग से बनेंगे प्रातः, अतः। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पैराग्राफ जो है शब्द स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है वो आप लोगों ने ठीक से समझ लिया है। तो बच्चों, आप लोग को जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग उसे कंप्लीट तो कर रहे हैं ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।